हे गाइस, वेलकम टू लर्निंग ऑर्बिट। इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है हमारा सीटेट जुलाई 2019 का, जो जुलाई 2019 में होने वाला है हमारा सीटेट का एग्ज़ाम। सारी गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस एंड इवन सिलेबस भी इसमें हमें बता दिया गया है, तो आज हम उसी से प्रिपरेशन करेंगे। मतलब आज हम फर्स्ट टॉपिक लेंगे, ऐसे ऐसे करके हम पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे और आपको पता भी चलेगा कितना हमारा कवर हो चुका है और क्या क्या हमारा सिलेबस है, क्या क्या टॉपिक्स हैं उसमें। पूरा वैलिड होगा वो, हमारा जो कंटेंट होगा और उसका सिलेबस के अकॉर्डिंग भी होगा। देखते हैं हमारा सिलेबस क्या है। ये रहा स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ सिलेबस। तो हम CDPA से स्टार्ट करते हैं अपना, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से स्टार्ट करेंगे। पहले हम प्राइमरी स्टेज पर फोकस कर रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड आर टॉपिक। बाकी के नेक्स्ट टॉपिक जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट भी हम लोग करा चुके हैं, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट भी करा चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगी सोशलाइजेशन प्रोसेस की, सो स्टे ट्यून। और अब हम अपना आज का टॉपिक देख लेते हैं। हमारे उस पूरे टॉपिक में सबसे पहले ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आता है, एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की हम लोग वीडियो बना चुके हैं। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो लोग देख ले, और जिसने देख लिया वेल एंड गुड है। और किसी को अगर उसका लिंक चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। उसमें हमारा ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, उसमें डिफरेंस क्या होता है, कैसे बच्चा उसमें ग्रोथ करता है, कैसे डेवलपमेंट करता है, उसमें सब है। और इस आज के टॉपिक में हम लोग उसके आगे का पढ़ेंगे, उसका लर्निंग से कैसे रिलेशन है। सो स्टार्ट करते हैं। स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये यहाँ पे हमारी स्टेजेस हैं और यहाँ पे पीरियड है एंड कितनी एज होगी। पहला है प्रीनेटल पीरियड, प्री बर्थ या प्रीनेटल स्टेज। ये होती है कंसेप्शन से लेके बर्थ तक, जब से मदर ने कंसीव किया और बर्थ तक अप्रॉक्स 9 मंथ्स होते हैं, तो वो होती है हमारी प्रीनेटल स्टेज, कंसेप्शन से लेके बर्थ तक। नेक्स्ट है स्टेज ऑफ इन्फेंसी, फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स, बर्थ से लेके 0, जब बच्चा पैदा हुआ है, बर्थ से लेके 2 ईयर्स, 2 साल तक उसकी इन्फेंसी स्टेज होती है। नाउ चाइल्डहुड स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज दो स्टेजेस में डिवाइड है, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में फ्रॉम 3rd to 12 ईयर्स और इन स्ट्रिक्ट सेंस अप टू द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। ये अर्ली चाइल्डहुड होता है हमारा, बोल सकते हैं 3 to लेके, ये टोटल हमारी 3 to 12 ईयर्स तक होती है, बोथ मिलाकर 3 to 12 ईयर्स तक। फिर हम देखें अर्ली चाइल्डहुड कितनी एज का होता है, 3rd to 5 ईयर्स तक, एंड देन 6 to 12 ईयर्स तक हमारा लेटर चाइल्डहुड होता है। और पूरी चाइल्डहुड स्टेज होती है हमारी 3 to 12 ईयर्स। एंड ये जो हमारा अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड वो कैसे डिवाइडेड है, 3 to 5 एंड 6 to 12। नेक्स्ट है हमारी एडोलसेंस स्टेज, फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी टू द एज ऑफ मैच्योरिटी, प्यूबर्टी से लेके मैच्योरिटी तक की एज, जनरली फ्रॉम 12 to 19 ईयर्स। 19 ईयर्स तक हम लोग मैच्योर, हमारी मैच्योरिटी डेवलप हो जाती है पूरी तरह, ग्रोथ पूरी तरह डेवलप हो जाती है, और प्यूबर्टी से मैच्योरिटी तक 12 to 19 ईयर्स। लास्ट है एडल्टहुड, फ्रॉम 20 ईयर्स एंड बियॉन्ड और इन स्ट्रिक्ट फ्रॉम द एज ऑफ अटेनिंग मैच्योरिटी टिल डेथ। कह सकते हैं यहाँ पे मैच्योरिटी तक था, और जो हमारी नेक्स्ट एज होगी मैच्योरिटी से डेथ तक, मतलब 20, यहाँ पे 19 ईयर्स तक था, तो मतलब यहाँ पे 20 ईयर्स से लेके और जब तक डेथ होती है वो होगा हमारा एडल्टहुड। बीइंग रेंजेस फ्रॉम बर्थ टू द अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी, दैट इज एक्सपायरी ऑफ द एडोलेसेंस पीरियड। मतलब हम लोगों ने बर्थ से लेके मैच्योरिटी तक की हमारा जो एज होती है, ये होती है ना हमारी एडोलेसेंस, इस एडोलेसेंस स्टेज, तो उसमें हमारा जो एडोलेसेंस एक्सपायर हो जाता है, मतलब लास्ट होती है हमारी एडोलेसेंस स्टेज इसमें मैच्योरिटी में। द सिग्निफिकेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड में बी नेम्ड एज स्टेज ऑफ इन्फेंसी, स्टेज ऑफ चाइल्डहुड एंड
इस डेवलपमेंट में हमारा इसे स्टेज ऑफ इन्फेंसी बोल सकते हैं, स्टेज ऑफ चाइल्डहुड बोल सकते हैं, स्टेज ऑफ एडोलेसेंस. लेट अस ट्राई टू नो अबाउट समथिंग अबाउट द नेचर ऑफ डेवलपमेंट टास्क नीडेड टू बी परफॉर्म बाय द यंगस्टर ड्यूरिंग द अबव मेंशन थ्री डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ आवर लाइफ. अब हम देखते हैं कि क्या क्या हमारे डेवलपमेंटल टास्क एक बच्चे को यंगस्टर को परफॉर्म करने पड़ते हैं उन स्टेजेस से गुजरते हुए. डेवलपमेंट टास्क ऑफ इन्फेंसिव टू टू ईयर्स. जब बच्चा पैदा होता है 2 साल तक उसे क्या क्या टास्क करने होते हैं. लर्निंग टू क्रॉल करता है और स्टैंड खड़ा होता है, वॉक करता है, रन करता है, क्लाइंब करता है, जंप करता है, थ्रो करता है, फेंकता है और ऐसी चीज़ें. और वो कह सकते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स, ये सब हमारा ग्रॉस मोटर स्किल्स में तो आता है. लर्निंग टू ड्रिंक एंड टू टेक सॉलिड फूड. ड्रिंक पीना सब करना सीख जाता है. टू लर्न सॉलिड फूड खाना सीख जाता है. लर्निंग टू टॉक पूरी तरह नहीं बट कुछ वर्ड्स बोलना और वो सब सीख जाता है. लर्निंग टू एक्वायर फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी आ जाती है. लर्निंग टू कंट्रोल एलिमिनेशन ऑफ बॉडीली वेस्ट. पॉटी वॉटी करना सीख जाता है. हम उसे बताते हैं हाँ बच्चे ये टाइम है करने का और यहाँ इस स्पेस में करना है, यहाँ करना है, ऐसे करनी है. लर्निंग टू एक्सप्लोर द फिजिकल वर्ल्ड सराउंडिंग हिम. अपने जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसे एक्सप्लोर करने का, उसके आसपास को जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसे एक्सप्लोर करने का लर्न करता है. कि हम लोग कोशिश बच्चे को पार्क ले जाते हैं, कभी यहाँ ले जाते हैं, फिजिकल एनवायरनमेंट में एक्सप्लोर करता है. लर्निंग टू प्ले विथ टॉयज. वो टॉयज के साथ खेलना, खिलौनों के साथ खेलना स्टार्ट करे. लर्निंग टू अकॉम्प्लिश द स्किल ऑफ ट्राई साइकिलिंग. हम लोग उसे ट्राई साइकिलिंग जो साइड में 2 टायर्स लगा देते हैं उसके बैलेंस के लिए ताकि बच्चे का बैलेंस ना बिगड़े स्टार्टिंग में. लर्निंग टू पे अटेंशन टूवर्ड्स द थिंग्स पर्सन्स एंड इवेंट्स. लोगों की तरफ अटेंशन पे करना, चीज़ों की तरफ पे करना, इवेंट्स कुछ हो रहा है उसकी तरफ. लर्निंग टू रिकॉग्नाइज आइडेंटिफाई द थिंग्स एंड पर्सन्स. वो रिकॉग्नाइज करने लगता है पर्सन को कि हाँ ये मेरे, मैं इसे जानता हूँ, मुझे ये पर्सन रोज दिखता है, आइडेंटिफाई करने लगता है. फॉर्मिंग सिंपल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल फिजिकल रियलिटी. लर्निंग टू रिसाइट द पोएम्स एंड स्टोरीज. पोएम्स एंड स्टोरीज को रिसाइट करना सीख जाता है. लर्निंग टू इमिटेट द बिहेवियर एंड एक्शंस ऑफ अदर्स. दूसरों के एक्शंस को इमिटेट करता है और बिहेवियर को. लर्निंग टू एक्वायर ऑलमोस्ट ऑल द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोशंस इन हिज बिहेवियर एक्सप्रेशन. वो एक्वायर करने पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस हैं उसके बिहेवियर एक्सप्रेशन के एक्वायर की कब मुझे गुस्सा होना है नेगेटिव, कब मुझे हंस खुश होना है. लर्निंग टू शिफ्ट हिज अटेंशन फ्रॉम द प्ले मटीरियल टू हिज प्लेइंग मेट्स. उसे वो अपना अटेंशन शिफ्ट करने लगता है मटीरियल को छोड़ के जो उसके साथ खेल रहे हैं बच्चे, उनके उसके फ्रेंड्स खेल रहे हैं उन पर. लर्निंग टू टेक इंटरेस्ट इन द कंपनी ऑफ हिज एज मेट्स अदर गोइंग चिल्ड्रन. अब उसे इंटरेस्ट आने लगता है अपने एज के बच्चों के साथ खेलने में और दूसरे जो अदर ग्रोइंग चिल्ड्रन हैं उसके साथ के. लर्निंग टू रिलेट वन सेल्फ इमोशनली टू पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स एंड अदर्स. नेक्स्ट अब है हमारी दूसरा चाइल्डहुड. हमने अब तक इन्फेंसी पढ़ा, अब हम चाइल्डहुड में देखेंगे कि वो क्या क्या टास्क करने सीख जाता है, क्या क्या डेवलपमेंटल टास्क उसे लर्न हो जाते हैं 3 to 5 years तक. लर्निंग टू एक्वायर कॉम्पिटेंसीज इन द मोटर स्किल्स लाइक वॉकिंग, जंपिंग, क्लाइंबिंग, स्लाइडिंग, ट्राइसाइकिलिंग, होपिंग, गैलोपिंग, स्कीपिंग, थ्रोइंग, बाउंसिंग एंड कैचिंग. जितनी भी मोटर स्किल्स हैं हमारी, चलना, कूदना, बैठना और स्लाइड करना, स्किप करना, फेंकना, बाउंस करना, वो सब हमारा वो सीख जाता है, कैच करना लर्न करता है. लर्निंग टू एक्वायर सिंपल बेसिक्स इन लैंग्वेज स्किल्स लाइक स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. जो सिंपल बेसिक्स होती है हमारी 4 skills होती हैं लैंग्वेज की, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, उसके बेसिक्स जो होते हैं वो सीखता है, वो बच्चा लर्न करता है इस स्टेज में. लर्निंग टू सेक्स डिफरेंसेस एंड सेक्स मॉडेस्टी. अब उसे पता चल जाता है हाँ ये लड़का है, हाँ ये लड़की है, क्या डिफरेंस है. सेक्स मॉडेस्टी को आइडेंटिफाई करना, लर्न करना स्टार्ट कर. लर्निंग टू डिस्टिंग्विश राइट एंड रॉन्ग एंड डेवलपिंग अ कॉन्साइंस. सही और गलत में ये नहीं कि जैसे बड़े हम लोगों को पता है कि हमें क्या सही है और क्या गलत है, उसे भी बेसिक एक राइट एंड रॉन्ग का मतलब समझ, हाँ चोरी करना गलत है, उसे ये समझ आ जाता है.
लर्निंग टू डेवलप राइट कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू सोशल एंड फिजिकल रियलिटी. जो सोशल एंड फिजिकल रियलिटी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें डेवलप करता है. लर्निंग टू रिमेन अवे फ्रॉम द पेरेंटल फोल्ड एंड एंजॉय द कंपेनियनशिप ऑफ अदर चिल्ड्रन. जो हम अब वो अपने जो एज ग्रुप के बच्चे हैं, जो उधर उधर बच्चे हैं एज ग्रुप के, उनके साथ ज़्यादा खेलना पसंद करते हैं. और पेरेंटल फोल्ड मतलब जो मामा अपने मम्मी पापा ने जो कहा हाँ उससे दूर रहना, इससे मत करना, तो वो कोशिश करते हैं कि अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ ज़्यादा वो अट्रैक्ट होते हैं, ज़्यादा वो खेलना पसंद करते हैं. लर्निंग टू गिव अप हिज आई फीलिंग एंड डेवलप द वी फीलिंग. आई फीलिंग मतलब मैं को वो छोड़ने की कोशिश करते हैं चाइल्डहुड में, और वी मतलब हम सबको लाने की कोशिश करते हैं. आई का मतलब सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, बाकी सब है, हम हैं. लर्निंग टू एक्वायर द एबिलिटी टू सेंस सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज एंड कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द थिंग्स. सिमिलैरिटीज़ क्या है टू थिंग्स के बीच में, डिसिमिलैरिटीज़ क्या है, कंपेयर करना सीख जाता है, कॉन्ट्रास्ट करना सीख जाता है. लर्निंग टू कंट्रोल अवर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस पे कंट्रोल करना सीखता है, लर्न करता है. लर्निंग फेज स्टार्ट होता है उसका उस वक्त. अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ अब हम पढ़ेंगे लेटर चाइल्डहुड, वो हमने पढ़ा अर्ली चाइल्डहुड का. लेटर चाइल्डहुड की एज कहते हैं 6 to 12. अब हम इसका पढ़ेंगे कि इसमें बच्चे क्या क्या एक्वायर करता है, क्या क्या लर्न करता है. लर्निंग टू मोटर एंड फिजिकल स्किल्स नेसेसरी फॉर प्लेइंग डिफरेंट इंडोर एंड आउटडोर गेम्स. मोटर एंड फिजिकल स्किल्स सीखता है किस लिए, जो इंडोर जो हम लोग हाउस के अंदर गेम खेलते हैं लूडो वगैरह, इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स क्रिकेट वगैरह, उन सब के लिए जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं फिजिकल एंड मोटर, उन्हें सीखता है, लर्न करता है. लर्निंग टू गेट अलॉन्ग विद एज मेट्स, अपने एज मेट्स के साथ हैंग आउट करना और उनके साथ खेलना. लर्निंग टू अप्रोप्रिएट सेक्स रोल्स, उसे पता है अप्रोप्रिएट सेक्स रोल सीखता है कि हाँ मेरी मम्मी घर में खाना बनाती है और पापा बाहर काम पर जाते हैं. आपने देखा भी होगा बच्चों पे क्या असर होता है इन सब का. बिल्डिंग होलसम एप्टीट्यूड्स टूवर्ड्स वन सेल्फ एज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिजम्स. एक एटीट्यूड, एक अच्छा होलसम एप्टीट्यूड वो डेवलप करता है. एक ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म मतलब डे बाय डे लर्न कर रहा है, ग्रो कर रहा है. डेवलपमेंट ऑफ नेसेसरी, अब यहाँ पे आ गया डेवलपमेंट नेसेसरी स्किल्स इन लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, कॉम्पिटिशन, स्केचिंग एंड ड्राइंग. अपने एज मेट्स के साथ रहेगा, उनके साथ कॉम्पीट करेगा, उसे कम्युनिकेशन उसकी अच्छी होगी, उसकी लैंग्वेज अच्छी होगी, कॉम्पिटिशन होगा, स्केचिंग ड्राइंग सब उसका इम्प्रूव होगा. डेवलपमेंट ऑफ वेरियस इंटरेस्ट एप्टीट्यूड्स लिंकेज लिंकिंग एंड डिसलिंकिंग टूवर्ड्स द थिंग्स पर्सन्स एंड आइडियाज. डेवलप उसके अंदर डेवलपमेंट आज शुरू हो जाती है, डेवलप करता है, उसका इंटरेस्ट डेवलप होते हैं अलग अलग चीज़ों में. एटीट्यूड्स किसी के लिए क्या एटीट्यूड है वो, लिंकिंग डिसलिंकिंग टूवर्ड्स द थिंग्स. डेवलपमेंट ऑफ कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट रिगार्डिंग थिंग्स पर्सन्स एंड प्रोसेस. कॉन्क्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. कॉन्क्रीट मतलब जो चीज़ें हम लोग देख पा रहे हैं हमारे सामने, वो चीज़ें हम प्रेजेंट हैं कोई अपनी मतलब एक ओरिजिनल फॉर्म में. और एब्स्ट्रैक्ट मतलब हम लोग किसी चीज़ के बारे में वर्बली आइडिया लगा रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़. मतलब हम लोगों ने बोला रेड कलर का होता है एप्पल होता है, रेड कलर का होता है फ्रूट होता है, खाने में मीठा होता है, तो हम लोग सोचेंगे क्या हो सकता है, एप्पल भी हो सकता है और पोमेग्रेनेट भी हो सकता है. तो वो चीज़ है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट. और अगर वो हमें सामने दिखाया जाए तो वो है कंक्रीट. तो वो पर्संस के और आइडियाज़ के बीच थिंग्स के बीच में ये सब कंसेप्ट लगाना स्टार्ट कर देता है. डेवलपमेंट ऑफ कॉन्साइंस मोरालिटी एंड सोशल ऑफ वैल्यू स्केल ऑफ वैल्यूज़. मोरालिटी स्केल ऑफ वैल्यूज कॉन्साइंस सब उसमें डेवलप होता है. डेवलपमेंट ऑफ द कैपेसिटी ऑफ रीजन थिंक एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग. अब साइंटिफिक थिंकिंग उसके डेवलप हो जाती है, सोचने की, प्रॉब्लम सॉल्व करने की. डेवलपमेंट ऑफ द लॉयल्टी टुवर्ड्स द ग्रुप, अपने ग्रुप के लिए वो लॉयल्टी दिखाते हैं, लॉयल्टी डेवलप होती है. अब हम पढ़ेंगे कि नेक्स्ट स्टेज है हमारी एडोलेसेंस, 3 to 18 years. 3 to 18 years में हमारा गुड. हाँ 3 to 18 years में क्या होता है, हमारी क्या क्या डेवलपमेंट होती है, क्या क्या हम लोग लर्न करते हैं.
डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज मोटर एंड फिजिकल स्किल्स फॉर प्लेइंग डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स एंड हार्ड इंडोर एंड आउटडोर गेम्स। पहले हमने इजी आउटडोर इंडोर गेम्स खेले, अब उसमें हम लोग एबिलिटीज़ भी डेवलप कर रहे हैं, मोटर एंड फिजिकल स्किल्स भी डेवलप कर रहे हैं, प्लेइंग डिफ़िकल्ट कॉम्प्लेक्स जो गेम्स हैं इंडोर एंड आउटडोर उन्हें डेवलप कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज़ एंड मोटर एंड फिजिकल कैपेबिलिटीज़ ऑफ परफॉर्मिंग मेंटल टास्क एंड फिजिकल लेबर। मोटर एंड फिजिकल कैपेसिटीज़ हम मेंटल टास्क और फिजिकल लेबर के लिए, मेंटल टास्क हम लोग जब तक करेंगे नहीं हम लोग फिजिकल लेबर कैसे करेंगे, मतलब हम लोगों ने किसी चीज़ की प्लानिंग की और एक मैपिंग तैयार कर ली अपनी माइंड में उस चीज़ के लिए, देन हम फिजिकल टास्क करेंगे उसे कंप्लीट करने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज टू परफॉर्म डिफिकल्ट मेंटल टास्क एंड ऑपरेशन। मेंटल एंड कॉग्निटिव मैंने बताया साइंटिफिक थिंकिंग डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब ग्रो ही करेगी डे बाय डे एंड हर स्टेज में वो बढ़ती जाएगी आगे। तो मेंटल एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज जो उसकी है परफॉर्म करने की डिफिकल्ट मेंटल टास्क एंड ऑपरेशन को वो बढ़ती है। लर्निंग टू एक्सेप्ट वंस फिजिक एंड सेटिस्फैक्शन विद वंस अपीयरेंस। लर्निंग टू प्ले मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन रोल, वो उन्हें पसंद है कोई दो, जैसे हमने बचपन में खुद भी खेले होंगे ये गेम कि घर घर खेलते हैं, जैसे बच्चे मैं वो पापा बनूंगा, मैं मम्मी बनूंगी, मैं घर पे खाना बनाऊंगी, पापा वहाँ जॉब पे जाएंगे वहाँ से आएंगे वो खाना खाएंगे। मैस्कुलिन मतलब मेंस वाले रोल और फेमिनाइन रोल वुमेंस वाले रोल प्ले करने प्ले करते हैं उन्हें। हाँ अच्छे, और जैसे बॉयज होते हैं तो हाँ। लर्निंग टू डेवलप न्यू रिलेशन्स विद एज मेट्स ऑफ बोथ सेक्सेस, न्यू रिलेशन्स बनाना अच्छा लगता है अपनी एज मेट्स के साथ, चाहे वो लड़का हो या लड़की। लर्निंग टू एक्वायर मैच्योरिटी इन सेक्स बिहेवियर, पसंद होगा कि क्या सेक्स बिहेवियर में मतलब एक मैच्योरिटी लाने की कोशिश करते हैं, हमें पता है। डेवलपमेंट ऑफ अ सेंस ऑफ वंस ओन आइडेंटिटी, खुद के लिए कुछ करना चाहता है, अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं। लर्निंग टू एक्वायर मैच्योरिटी इन सेक्स बिहेवियर, ओके। डेवलपमेंट ऑफ अ सेंस ऑफ वंस आइडेंटिटी, लर्निंग टू गेन द मीन्स एंड वेज फॉर इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस मतलब उनके अंदर आने लगती है कि हाँ कि हमें खुद कुछ करना है, इकोनॉमिक अभी हमें दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना। डेवलपमेंट ऑफ सेंटीमेंट्स टूवर्ड्स थिंग्स पर्सन, सेंटीमेंट्स डेवलप करने लगते हैं, बहुत ही इमोशनल हो जाते होते हैं कुछ लोग, तो इमोशनल हो जाते हैं। लर्निंग टू एक्वायर सिविक सेंस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वेज ऑफ डेमोक्रेटिक, एक सिविक सेंस उन्हें ये होता है कि हाँ क्या हमारे एनवायरनमेंट में क्या चल रहा है, हमारे कंट्री में क्या चल रहा है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है एक सिविल पर्सन की, और डेमोक्रेटिक लिविंग जीने लगते हैं, लोकतांत्रिक हाँ खुद डिसीजन लेना। लर्निंग टू बिल्ड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू वंस ग्रुप कल्चर कम्युनिटी एंड नेशन, एक कम्युनिटी को लेकर एक ग्रुप को लेकर अपनी बिलोंगिंगनेस खुद बनाने लगते हैं कि हाँ हम उस कल्चर से रिलेटेड है, कम्युनिटी से, नेशन से। लर्निंग टू एडजस्ट विद अ सेंस ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस एंड मैट्रियस लाइक फीलिंग्स फॉर द कॉज ऑफ सोसाइटी रिलीजन नेशन एंड ह्यूमैनिटी, सेल्फ सेक्रीफाइस के लिए तैयार हो जाते हैं। गेनिंग वोकेशनल अवेयरनेस एंड गेट रेडी फॉर एंटरिंग इन टू हायर अकेडमिक और प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफ स्टडी, एक वोकेशनल अवेयरनेस उनके अंदर आ जाती है। वोकेशनल मतलब एक आगे फ्यूचर में, जैसे हम सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपनी लिविंग अर्न करने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए, तो वही चीज़ है वोकेशनल अवेयरनेस। कोई प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफ स्टडी हम अलग अलग अकेडमिक, हायर अकेडमिक अचीवमेंट करने की कोशिश, सबसे फर्स्ट आना है हमें, हायर मार्क्स लाने हैं हमें, ये करना है हमें आगे का फ्यूचर अपना सिक्योर करना है। गेनिंग कॉम्पिटेंसीज एंड स्किल्स फॉर मीटिंग द नीड्स ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड्स and skills for meeting the needs of specific interest and aptitude, striving to gain desired height on the mental emotional social maturity scales, एक mental emotional social maturity scale होता है उसे gain करते हैं, desirable वो एक desire होती है उनके अंदर। preparing for playing the roles of a matured adult in future life, एक mature adult की role play करने के लिए prepare करते हैं खुद को future life के लिए।
सो ये था हमारा आज का टॉपिक लर्निंग रिलेटेड टू डेवलपमेंट डेवलपमेंट और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से हमारा लर्निंग कैसे रिलेटेड है। सो आपको अगर इस टॉपिक में कोई दिक्कत है या फिर कुछ और टॉपिक आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। सो हम ज़रूर ध्यान देंगे, आप जो भी कहना चाहते हैं, आपके जो भी क्वेरी होगी। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, आगे का भी टॉपिक हम लोग ऐसे ही अपने सिलेबस वाइज करेंगे, क्या क्या टॉपिक्स होगा क्या क्या नहीं वी ऑल नो, और हम आपको बताते भी रहेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स टू ऑल, शेयर एंड सब्सक्राइब।